एवरीवन तो आज रिव्यू करने वाले हैं हम निसिन के निसिन ये की हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चीज नूडल्स को तो ये दोनों हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चीज नूडल्स है दोनों फोर्टी नाइन रुपीज का ईच पैक है एट्टी ग्राम इन दोनों की क्वांटिटी है बट जो साइड में डॉल दिया हुआ है ना उस डॉल के ऊपर मैंशन किया हुआ दोनों का अलग है दोनों वेजी नूडल्स हैं बट ये देखिए अब इस पर क्या मैंशन किया है ये देखिए हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चीज नूडल्स येलो मार्क में इसे कोरियन चीज लिखा हुआ है उसका ब्लैक और नीचे थोड़ा सा ग्रीन कलर में कोरियन चीज नूडल्स लिखा हुआ है बट डॉल के ऊपर इस पे लिखा हुआ है डिलीशियस स्पाइसी कोरियन टेस्ट और उसके ऊपर लिखा हुआ है डिलीशियस विथ स्पाइसीनेस कोरियन चीज टेस्ट ठीक है तो उसके साइड में स्पाइसीनेस कोरियन चीज टेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ कोरियन स्पाइसी कोरियन टेस्ट लिखा है स्पाइसी नेस नहीं लिखा है स्पाइसी लिखा है मतलब आई थिंक ये थोड़े कम तीखे हैं और वो थोड़े ज़्यादा तीखे हैं तो देखते हैं कौन से वाले जीतते हैं ज़्यादा तीखे वाले या कम तीखे वाले तो ये है हमारे कोरियन टेस्ट वाले नूडल्स तो दोनों के अंदर क्या क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं एक नूडल्स निकलता है एक जो चीज़ का प्रीमिक्स निकला है एक मसाला का प्रीमिक्स निकला है ठीक है तो ये कोरियन टेस्ट वाले के देख लिए हमने तो अब दूसरे वाले के देख लेते हैं हम दूसरे वाले में भी सेम टू सेम निकला है दोनों की अंदर की पैकेजिंग भी सेम टू सेम ही है सेशेज तो सेम लग रहे हैं देखते हैं टेस्ट में भी कुछ डिफरेंस है या सेम ही है तो चलिए ट्राई करते हैं पहले तो हम कोरियन टेस्ट वाले ट्राई करेंगे ठीक है और बाद में हम कोरियन जो स्पाइसीनेस विथ चीज़ी टेस्ट है उसको ट्राई करेंगे दोनों एक्चुअली चीज़ के ही हैं बट इसमें कम स्पाइस है इसलिए इसमें लिखा हुआ है डिलीशियस स्पाइस कोरियन टेस्ट ठीक है तो ये कोरियन टेस्ट को ट्राई कर लेते हैं ट्राई करना बड़ा ही ईजी है आपको फाइव मिनट्स तक नूडल्स को अच्छे से बॉइल बॉयल होने के बाद इनका एक्सेस पानी निकाल देना है फिर इसमें हम हमारे प्रीमिक्स डाल के अच्छे से मिक्स करके खा सकते हैं अब इसका एक ड्रॉबैक आपको बताती हूँ जैसे हमारी मैगी कैसे हम पानी में पकाते हैं और फिर पानी उसका सारा उड़ा देते हैं यहाँ पे हमें पानी को छन्नी से छान लेना होता है तो क्या होता है ये छानने के बाद ना बहुत ज़्यादा सूखे और स्टिकी स्टिकी हो सकते हैं तो थोड़ा सा पानी का चीटा रखना है इसमें तो ये देखिए मैंने मसाला प्रीमिक्स डाल दिया है मसाला प्रीमिक्स का कलर ऑरेंज है इसका जो कोरियन टेस्ट हम ट्राई करने वाले हैं और जो चीज़ वाला प्रीमिक्स डाला है ये थोड़ा वाइटिश साइड में मुझे मिल्क पाउडर ज़्यादा लग रहा था चीज़ पाउडर से बट मिक्स करने के बाद इसकी खुशबू थोड़ी सी चीज़ी आ रही थी और ऐसे बेकार वाली खुशबू नहीं थी अच्छी वाली खुशबू थी तो मिक्स करते मिक्स करने के बाद इसका कलर ना थोड़ा मस्टर्ड कलर आया था ऑरेंज नहीं था रेड भी नहीं था जैसे कि वो चिली ऑयल वाले इनके जो हॉट एंड स्पाइसी बहुत चिकन वाले नूडल्स है तो वो बहुत तीखे दिखते हैं ये देखिए ये कुछ ऑरेंजिश कलर में दिख रहा था और टेस्ट अगर मैं आपको बताना जाऊँ तो ये देखिए थोड़े स्टिकी हो गए थे टेस्ट इसका बहुत ही उम्दा था आप इतना चीज़ी था ये और मतलब थोड़ा सा स्वीट थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट था इसका और आप देख सकते हो ये जब मैं खाऊंगी ना वो जो फोक है उसके ऊपर भी चीज़ के थोड़े चंक्स लगे हुए हैं तो बहुत ही स्वाद था चीज़ी तो था बिल्कुल लग रहा था कि यार चीज़ के नूडल्स खा रहे हैं इसको थम्स अप मुझे बहुत अच्छा लगा अब ये जो दूसरा वाला स्पाइसीनेस विथ कोरियन चीज़ टेस्ट है तो इसको ट्राई कर लेते हैं इसका भी सेम ही प्रोसेस है हमने नूडल्स को पहले पानी में पाँच मिनट अच्छे से बॉइल कर लेना है एक्सेस वाटर को स्ट्रेन कर लेना है फिर हमारा जो मसाला प्रीमिक्स है और जो हमारा चीज़ प्रीमिक्स है उसको हम इसमें अच्छे से मिला के फिर टेस्ट करेंगे ओके तो इसका जो मसाला मैंने डाला था मसाला प्रीमिक्स और चीज़ प्रीमिक्स तो मसाला इसका बहुत ज़्यादा डार्क है इसमें सेसमी सिर से और चीज़ वाला जो प्रीमिक्स था वो येलो ज़्यादा दिख रहा था जैसे पहले वाले का वाइट दिख रहा था और इसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी मतलब इतनी बेकार सा चीज़ का तो नहीं लग रहा था कुछ अजीब सा ही स्मेल लग रहा था ये और दिखने में भी ये ऑरेंज साइड पर ज़्यादा है वो पहले मस्टर येल्लो थे ये ऑरेंजिश कलर में तो इसका ट्राई करते हैं ये देखिए कितने ज़्यादा स्टिकी हो गए यार इनका यही बड़ा दिक्कत है कि ये बहुत चिपकते हैं और टेस्ट में ये बहुत तीखे थे बहुत ज़्यादा तीखे तीखे का अगर मैं रेटिंग करने जाऊँ तो ये नाइन दूंगी मैं इनको टेन के काउंट पर बहुत ज़्यादा तीखे थे चीज़ का तो कुछ फ्लेवर आ नहीं रहा था और मुझे इसका फ्लेवर समझ में नहीं आया यार मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पूरा फिफ्टी रुपीस बर्बाद हो गए तो ये जो आपका स्पाइसीनेस विद कोरियन चीज़ टेस्ट है ना इसको बिल्कुल ट्राई मत करना यार बड़े बेकार से एवरेज से नूडल्स से थम्स डाउन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कोरियन टेस्ट वाले जो कोरियन चीज़ नूडल्स है ना उसको ट्राई करना स्पाइसी कोरियन टेस्ट बहुत ही अच्छा है ये स्पाइसीनेस विथ कोरियन चीज़ टेस्ट बिल्कुल ट्राई मत करना बहुत ही तीखा है और बड़ा अजीब सा स्मेल आता है इसका स्मेल भी अच्छा था और स्वाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा तीनों का अच्छा मिक्सचर था स्वीट चीज़ी और थोड़ा सा स्पाइसी तो ये थम्स अप है और ये दूसरा वाला थम्स डाउन है तो आप देखो आपको कौन सा खाना है मैं पहले वाले को दो रेट करूँगी जो स्पाइसीनेस विथ कोरियन चीज़ टेस्ट था और ये जो स्पाइसी कोरियन चीज़ टेस्ट था इसको हम एट देंगे डेढ़ भी मैंने इसलिए काटा है कि थोड़ा स्टिकी हो जाता है इसलिए ब बाय एवरीवन